हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में हमारा हॉस्पिटल है, जहाँ हम मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। और दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ हम मनोरुग्ण और व्यसनी लोगों को बिना रिश्तेदार भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। कभी सारे पेशेंट हम रोज ठीक करते रहते हैं और उसमें लोग हमारे पास में आते तो वो एंग्जाइटी लेके आते हैं, डिप्रेशन, फोबिया, ऑब्सेशन, ऐसे अलग अलग बीमारी लेके आते हैं। उनको आना कठिन होता है कुछ लोगों को, क्योंकि पूरे हमारे देश से, पूरे भारत देश से हमारे फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं। लोग पूछते रहते हैं कि हमको आना है, हमको बात करना है, मगर आ नहीं सकते हैं। तो उनको हम कॉलिंग करते हैं, मतलब वो हमको कॉल करके हमको कॉलिंग के ऊपर, मतलब फ़ोन के ऊपर काउंसिलिंग उनका करते हैं। ऐसी एक व्यक्ति था, काफ़ी बड़े दूर से आया था, गुवाहाटी से। एक बार पहले यहाँ आके गया, बाद में उसका कॉल पे हम काउंसलिंग करते थे। उसका मेन यही प्रॉब्लम था कि मैं सब कुछ करता हूँ मगर मुझे बिजनेस में यश नहीं मिलता, और उसमें उसको अभी धंधा करने में डर लग रहा है। कोई बिजनेस करना है उसको डर लगता है। तो जब उसको बातचीत जब किया तब तो ये मालूम पड़ा कि कुछ ना कुछ उसमें ऐसी बात है कि जो वो करता नहीं। जब पूछा मैंने उसको भी, तो बिजनेस क्यों कर रहा है, उसने बोला उसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा क्या सवाल कर रहा, पैसे के लिए कर रहा हूँ, मतलब घर चलाना है करके बिजनेस कर रहा हूँ, घर में पैसा लाना है इसलिए कर रहा हूँ। तो मैंने भाई यही बड़ा प्रॉब्लम है, आपका जब फोकस पैसे के ऊपर रहता है और पैसा कमाना मेरा प्रॉब्लम है, और पैसा मैं कैसे कमाऊँ ये मेरे सामने प्रॉब्लम है, और पैसे के लिए मैं काम करता हूँ यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जिनके सामने बड़ा उद्दिष्ट नहीं रहता, बड़ा गोल नहीं रहता, कोई ऐसा विजन नहीं रहता, काम करने के लिए ऐसा कोई पर्पस नहीं रहता, वो हरदम स्ट्रगल करते रहते हैं। जो लोगों ने अपने सामने पर्पस खड़ा करे, बड़ा पर्पस कि भाई बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मैं काम करूँगा, बहुत लोगों के जब काम कर रहा हूँ और उनको फ़ायदा होगा, उनके लिए मैं सर्विस कर रहा हूँ तो उसमें फ़ायदा होता है उनका भी, फिर अपना भी। बात करते करते मालूम पड़ा कि वो सिर्फ पास से उसका सब कुछ लिया गया, मतलब पास में ये हो गया, पास में हो गया, पास में वो हो गया, इसलिए मुझे यश नहीं मिल रहा है, ऐसा मालूम पड़ा। मैंने उसको ये बताया कि भाई सक्सेसफुल लोग जो है वो फ्यूचरिस्ट होते हैं, फ्यूचरिस्ट मतलब भविष्य की ओर देख के सब अपना प्लान बनाते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, और भविष्य में जो होने वाला है, भविष्य में क्या संभव है, वो देख के वो अपना धंधा करते रहते हैं। तो वो फ्यूचरिस्ट रहते हैं। आप फ्यूचर के बारे में सोचो, भविष्य के बारे में सोचो, भविष्य अपना बनाओ। आगे आने वाले 5 साल का जब आप भविष्य बनाएंगे तो आपको समझेगा कि आगे आने वाले 5 साल में अपने धंधे में क्या चेंजेस होंगे, लोगों को क्या चाहिए होगा। तो आप फ्यूचरिस्ट बनके एक प्लान बनाओ और मुझे बताओ। फिर जब उसको पूछा मैंने और काउंसिलिंग सेशन में, मालूम पड़ा कि भाई उसके लिए बिग कोई भी सोचना ये कठिन बात है। अपने दायरे में सोचो, छोटा सोचो, जितना हो सके उतना ही करो। मैंने उसको ये बताया कि बिग इज बेटर, ये आपके लिए नहीं है, बिग करने का नहीं है, बड़ा सोचने का नहीं है, बड़ा गेम लेने का नहीं है, और मेन कारण क्या है, फियर ऑफ फेलियर, नॉट टेकिंग रिस्क, कंफर्ट जोन में रहना, आराम से करना। प्रायोरिटी ऐसी नहीं है कि भाई बिजनेस के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ऐसा भी नहीं है, कंफर्ट जोन में रहो और हरदम छोटा सोच, बिग इज बेटर, ऐसा नहीं है। फिर यह है कि कोई भी काम चालू करे ना तो उसके पास में पेशेंस नहीं, शांति नहीं। क्या होता है, आप जो भी धंधा चालू करेंगे, जो भी बिजनेस आप करते हो, कुछ भी करते हो, तो सबसे पहला जो भी काम कर रहे हो वो समझ के चलो वो प्रैक्टिस सेशन है, और प्रैक्टिस सेशन में आप गिरने वाले हैं, प्रैक्टिस सेशन में आपको मार बैठने वाला है, नुकसान होने वाला है। जब वो उसको बताया, बोले हाँ वो तो सही है आप जो बता रहे हो, मेरे को तो पहले पहले बहुत चाट बैठी हुई है, बहुत चोट बैठी हुई है, बहुत नुकसान हुआ है, मतलब कि उसके पास में आपके लिए बफर स्टॉक था क्या, पैसे का स्टॉक, धंधे में स्टॉक, बफर, ताकि हम 6 महीने साल भर तक इंतजार कर सके पेशेंट से, शांति से, ताकि कुछ भी ब्रेकडाउन आ गया तो उसका हम सामना करेंगे। तो उसके पास में परसिस्टेंस भी नहीं था, पेशेंस भी नहीं है, और फिर उसको मैंने बताया कि भाई आप जो कर रहे वही काम बाकी सब कर रहे, कि आप कुछ अलग कर रहे, बोले बाकी जो लोग करते वही मैं कर रहा हूँ। मतलब भाई जो सक्सेसफुल रहते हैं वो पाथ ब्रेकर रहते हैं, वो हरदम नया करते रहते हैं,
नए सिरे से करते रहते, नए तरीके से करते रहते हैं। वो सोचते कि नया मैं ऐसा क्या करूं, क्यों लोगों को अपील हो जाए, लोगों को क्या चाहिए वो मैं करूं तो लोगों को अपील होगा और मेरा धंधा बढ़ेगा। क्योंकि हमारा क्या है, हमारे ब्रेन को जो है वो हरदम ऐसी आदत सी लगी हुई है कि भाई जो चल रहा है वो चलने दो, जो बाकी लोग कर रहे हैं वो करो। इतना हमारा ब्रेन कंडीशन हुआ है कि हम ऑफिस में जाएंगे घर से तो वही रास्ते से जाएंगे, रास्ता भी बदलेंगे नहीं, सेम होगा। हमारे कपड़े भी जो है पहनते हैं तो 20% कपड़े हमारे हम बार बार 80% बार हम पहनेंगे, वही पहनेंगे कपड़े। हम कोई होटल में जाएंगे तो बार बार वही होटल में जाएंगे, वही होटल में बार बार जाएंगे तो वहीं बैठेंगे और बार बार वही डिश ऑर्डर करेंगे। हम कभी रिसेप्शन में गए, शादी में गए तो हम देखते हैं कि हमारे पहचान के कौन लोग हैं, उनसे जाके बैठेंगे। मतलब हमारे ब्रेन को क्या चाहिए कि जो चल रहा है वो चलने दो, स्टेटस को इज फाइन, नया कुछ करना नहीं है। और वो प्रॉब्लम होता है, बड़ा यदि काम करना है तो आपको पाथ ब्रेक करना पड़ेगा। इसलिए मैं लोगों को हरदम बोलता हूँ कि आप ऐसा करो, कुछ ना कुछ नया कुछ करते जाओ और अपने ब्रेन के जो पैटर्न है उसको बदलो। कैसा लोगों को बोलता हूँ कि भाई घड़ी हाथ की जो है वो लेफ्ट हैंड की घड़ी निकालो, राइट हैंड में डालो, चेंज करता थोड़ा ब्रेन को चेंज होना, कोई पाथ जो है ना वो ब्रेक करना चाहिए, वो ब्रेन को कुछ तो भी नया बताओ। कभी बाएं हाथ से खाना खा के देखो क्या हो रहा है, नए लोगों से जाके मिलो जिनको आप मिले नहीं, एकदम नए लोग हैं उनसे मिलो, नए लोगों को फोन करके देखो। ऑफिस जाना है तो नए रास्ते से जाओ, कुछ तो भी अलग कर दे जाओ बीच बीच में, ताकि ब्रेन को वो स्टिमुलेशन मिलेगा नया सोचने के लिए। और जब आप उसको स्टिमुलेशन देंगे, ब्रेन का जो हरदम का पाथ है वो ब्रेक करेंगे, तो उसका फायदा आपको धंधे में भी होगा, बिजनेस में आप अच्छा कुछ कर सकेंगे, आपको नई नई आइडिया आएंगी और उससे धंधा बहुत बढ़ेगा। तो उसको जब मैंने बोला कि भाई फ्यूचर करके फ्यूचर में जाके देखो, फ्यूचर इज बनो, बिग इज बेटर, कंफर्ट जोन में रहो और वो छोड़ो, मतलब सॉरी कंफर्ट जोन में मत रहो, वो छोड़ना पड़ेगा, पेशेंस जो है वो रखना पड़ेगा और पाथ ब्रेक करना पड़ेगा। जब आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। और ये जो आप ये कर रहे हैं कि नहीं भाई मुझे यश नहीं मिलता, यश नहीं मिल रहा है, और उससे आपको टेंशन आ रहा है, एंग्जाइटी आ रही है, फिर घर में बीवी से पट्टा नहीं है, बच्चों की तरफ ख्याल नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो इसे आपको छुटकारा मिलेगा। उसने बोला कि ठीक है मैं सब ये करता हूँ, हमारे कॉल अभी भी चालू है और वो कॉल पे मैं जब उसको काउंसिलिंग करता हूँ वो नए एक्शन लेते रहता है। घर में पत्नी के साथ में उसकी रिलेशनशिप में काफ़ी फ़र्क हो गया, बच्चों के साथ में जब बातचीत करता है तो उसमें फ़र्क हो गया, उसका जो एंग्जाइटी था वो एंग्जाइटी बहुत अच्छा हो गया, उसको जो डिप्रेशन था वो डिप्रेशन में बहुत उसको फ़ायदा हुआ, और बिना कुछ दवाई का, सिर्फ काउंसिलिंग करके। जरूरी वीडियो लोगों को शेयर कीजिएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डालो, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर डालो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी